अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बागपत रोड स्थित विद्या नॉलेज पार्क के फैशन डिजाइन विभाग में शुक्रवार को 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे लब्ध प्रतिष्ठित वक्ताओं ने मेटावर्स फैशन डिजाइन और सस्टेनेबल फैशन विषय पर विचार प्रस्तुत किए। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में AICTE की सलाहकार डॉक्टर ममता रानी अग्रवाल ने ब्रिज भाषण दिए। उन्होंने कहा कि मेटावर्स ने फैशन की दुनिया में अपार संभावनाओं को जन्म दिया है, लेकिन जमीन पर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना होगा। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के पहले दिन उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं विद्यागान से हुआ। विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की निदेशिका डॉक्टर रीमा ने सभी अतिथियों का स्वागत पौधे भेंट कर किया। विद्या नॉलेज पार्क के चेयरमैन प्रदीप कुमार जैन ने कहा कि एकेडमी क्षेत्र में विद्या नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि प्रतिदिन कोई न कोई ज्ञानार्जन के कार्यक्रम होते रहते हैं। उद्घाटन सत्र में कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि व वक्ता AICTE की सलाहकार डॉक्टर ममता रानी अग्रवाल ने कहा कि समय के साथ फैशन इंडस्ट्री की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। मयंक जैन CMO और हेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन US टेक सॉल्यूशन ने कहा कि सस्टेनेबल फैशन, जिसे इको फैशन के रूप में जाना जाता है, इसने फैशन के क्षेत्र में कई अवसर पैदा किए हैं। RK सिंह, पूर्व इंजीनियर इन चीफ दूरदर्शन, ने कहा कि तकनीक को लेकर हमेशा चिंता रहती है। इसके बाद आयोजित पहले तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करुण त्यागी ने तथा संयोजन डॉक्टर रीमा ने की। कार्यक्रम का संचालन छात्रा अनुष्का त्यागी ने किया। इस मौके पर विद्या नॉलेज पार्क के चेयरमैन प्रदीप कुमार जैन, प्रबंधन निदेशक विशाल जैन के साथ VKP रजिस्ट्रार विजय कुमार दुबे, विद्या स्कूल ऑफ बिजनेस की निदेशिका डॉक्टर वसुधा शर्मा, विद्या इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार चेची के साथ विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्ष चंद्रशेखर आर्य एवं अविनाश कुमार का योगदान रहा। नाम बता दीजिएगा। डॉक्टर रीमा वार्ष्णेय, डायरेक्टर विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मेरठ। तो यहाँ 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें क्या कहना है, किस लिए? बेसिकली ये मेटावर्स रिसाइकलिंग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है, जो उस पर करीब 58 रिसर्च पेपर्स हैं। बिकॉज राइट नाउ अगर आप करंट की बात करें तो पॉल्यूशन, दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज क्रिएटिंग अ ग्रेट पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट, और हमें जिंदा रहने के लिए अपने एनवायरनमेंट को सेव करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर न्यू फैशन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो दिस द पेपर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट सो दैट वी कैन सेव द एनवायरनमेंट। सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम करुण त्यागी है और मैं CEO हूँ इंटेक्सो बायोकेम का, और मेरा 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल सप्लाई चेन इंडस्ट्री में, और मेरा स्पेशलाइजेशन टेक्सटाइल केमिकल्स में है। सर यहाँ पे 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें आपका क्या कहना है, वो किस लिए? जो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है, जैसे मेटावर्स है, डिजिटलाइजेशन है और फैशन सस्टेनेबिलिटी है, तो ये कॉन्फ्रेंस जो हमारी फैशन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करती है। जैसे हमारी इंडस्ट्री का सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो फास्ट फैशन है, जिसके अंदर हम चीज़ें ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं और ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं थ्रू मेटावर्स, थ्रू डिजिटाइजेशन और थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, उसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस अरेंज करी गई है। और इसमें डिफरेंट रिसोर्स पर्सन है जो 2 दिन में अपने आइडियाज़ पुट फॉरवर्ड करेंगे कि वो कैसे जो फैशन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। ये किस लिए ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, जैसा मैंने बोला कि हमारी फैशन इंडस्ट्री बहुत ओवर प्रोड्यूस करती है। ट्रेंड्स अब हर 15 दिन में चेंज हो रहे हैं। टीनएजर्स और मिलेनियम्स चाहते हैं कि हर 15 दिन में उनको नई क्लोथिंग मिले, जिसकी वजह से ब्रांड्स और रिटेलर्स हैं वो गारमेंट बना रहे हैं, ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यही गारमेंट्स फिर डंप कर दिए जाते हैं लैंडफिल्स में। और जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग गारमेंट्स है उसमें काफ़ी पॉल्यूशन जनरेट होता है, काफ़ी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री मानी जाती है जो पॉल्यूशन में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है, ग्लोबल पॉल्यूशन में। तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसी के बारे में ये कॉन्फ्रेंस है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट।